गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेड कार्ड स्टडी के बारे में बताऊंगी कि शेड कार्ड को कैसे यूज करना है अगर आप कोई भी कलर प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगी कि शेड कार्ड को आप बाय कैसे करेंगे, परचेज कैसे करेंगे, क्योंकि ये एज अ रेफरेंस होता है आपके पास हमेशा कोई भी कलर प्रोसेस करने के लिए अपने क्लाइंट का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास जो शेड कार्ड है वो स्टिक्स का शेड कार्ड है, जो कि आप अभी देख रहे हैं, बिल्कुल पैक्ड है। न्यू शेड कार्ड आया है मेरे पास और ये डायरेक्ट कंपनी से आता है, इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, बट ये है वो शेड कार्ड इस तरीके का। जैसे देखिए सारे कलर्स हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं, कलर के शेड्स देखिए किस तरह से ये डिस्प्लेड हैं, और इसमें कंप्लीट गाइडेंस दिया हुआ होता है बैक साइड में भी कि आपको शेड कार्ड की स्टडी कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, कलर की मिक्सिंग क्या है। तो ये है शेड कार्ड, जिसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी कलर प्रोसेस करते हैं। तो ये है मेरे पास स्टिक्स का शेड कार्ड, जिसको आपको अगर लेना है तो आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट बाय करते हैं डायरेक्ट कंपनी से ही आपको ये शेड कार्ड मिलती है, और कोई जरिया नहीं है। आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम शेड कार्ड बाय करना है या शेड कार्ड को हम कहाँ से बाय करें, आपके थ्रू बाय करें, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। एज अ रेफरेंस ये मिलता है और ये कंपनीज के एम्प्लॉयज ही आपको ये दे पाएंगे। तो आप वहां से प्रोडक्ट परचेज कीजिए और उनसे एज अ रेफरेंस शेड कार्ड आप मांग सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसकी स्टडी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, एक वीडियो बना रखी है जिसमें इस शेड कार्ड को कैसे स्टडी करना है वो कंप्लीट प्रोसेस आप देख पाएंगे। तो ये है सिक्स का शेड कार्ड, और उस जो वीडियो है उसका रेफरेंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट को कैसे स्टडी करना है शेड कार्ड वो जरूर देखिएगा। तो ये न्यूली मैम न्यू आया था मेरे पास, तो मैंने कहा एक बार आपको जरूर डिस्प्ले करूं, और ये गाइडेंस होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे आप किस तरह से शेड कार्ड को यूज करेंगे, यूज करिए। स्टिक्स के भी प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस में है, अफोर्डेबल प्राइस में आप प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो स्टिक्स के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियोस में कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।